नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बुक, मतलब वही मार्केटिंग की सबसे बढ़िया बुक जो कि बीकॉम और बीबीए के स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जो कि पूरे कॉमर्स में जब ग्रेजुएशन लेवल करते हैं तो इस बुक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इस बुक का रिव्यू, बताऊंगा इसमें कितने पेजेस है, कितनी मोटी बुक है, या फिर कितना लेंथ का है, कितना ब्रेथ का, कितना प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह का इंटरफेस है, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बुक जो कि है नीति गुप्ता, तीन लोगों का है, तीन लोग ऑथर है, एन सोनक्की और नीति गुप्ता, अनुज गुप्ता। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसकी कितनी साइज है। ठीक है, तो हम बताते हैं कितने सेंटीमीटर की बुक है। वर्टिकल में बात करें तो ये पड़ जाएगा आपको 23 सेंटीमीटर का, और इसको बात करें हॉरिजॉन्टल में तो ये पड़ेगा आपको 17 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके अंदर का किस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, तो चलिए आपको बताते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट मिलेगा आपको देखने को, इसके अंदर जो कंटेंट है देख लीजिए आप, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एनवायरमेंट, मार्केटिंग सेगमेंट, चैनल टारगेटिंग एंड पोजीशन, ये जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इस तरह के टॉपिक। ठीक है, और ये है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, ये है और भी कंटेंट हैं इसमें जो कि आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले पेज का जो कि प्रमोशन है, इसमें कितने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब है टॉपिक्स है। अब इसमें किस तरह के वर्डिंग्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिए पहला चैप्टर इस तरह का स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको कुछ वर्डिंग मैं पढ़ के दिखाता हूँ। जैसे कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है, इसमें देखिए मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस ऑफ विच मोस्ट कॉमन बेसिस आर एरिया टाइम, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में दिया है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है इस बुक के वर्डिंग्स जो हैं। तो अब बात करते हैं कि ये कितने पेजेस की बुक है। ठीक है, इसमें 15 चैप्टर करीब हैं, इसमें 15 चैप्टर हैं, इसमें पेजेस डायरेक्ट नहीं दिया, इस तरह दिया 15.1, 15.2। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्राइस का, ये मार्केट में कितने में अवेलेबल होगा और इस बुक का रियल प्राइस क्या है। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है वो है 195 रुपये का, आपको मार्केट में 180-170 करीब के मिल ही जाएगा वैसे। ठीक है, तो ये बुक आप कैसी लगी, इस बुक का रिव्यू कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किस बुक की आपको रिव्यू चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।